अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आपको मेरे पहले व्लॉग में खुश आमदीद। मैं थोड़ा रेडी होके फ्रेश होकर आ गया हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कमरा विजिट करवाता हूँ। देखें सुबह सुबह मेरे कमरे की हालत आपको दिखाना है। इधर मैं सोता हूँ अकेले, ठंड इतनी है, आज पता नहीं धुंध निकली है कि नहीं। 2 मिनट में खिड़की खोल के देखूं, वो आज तो धूप निकल आई। ओरिजिनल बात बताऊं, सबसे ओरिजिनल बात, जब स्कूल छुट्टी देता है तो धूप निकल आती है, और जब स्कूल जाना होता है या बारिश और या धुंध। तो अभी धूप निकली है तो नीचे चल के देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर उठे हैं कि नहीं उठे, तो चलते हैं। तो गाइस मैं वहां से यहाँ पर आ गया हूँ, अब आपको बाहर का विजिट के बताते हैं कि आज का मौसम कैसा है कैसा नहीं है। ठंड की वजह से हाथ बिल्कुल मुश्किल से खुलते हैं, और बाद में अभी देखते हैं कि मेरी फैमिली में उठा कौन है, कि पाकिस्तान में चोरी होने का बहुत खतरा है इस वजह। ठंड तो इंतहाई है मगर धूप, और ये हमारा इधर सी डी सेंट। गाइस अब कमेंट में बताएं कि आपको ज़्यादा गाड़ी चलती है, क्योंकि कभी कभी ना लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि बच्चों को बाइक अच्छा लगता है और गाड़ी उनको बड़ों को अच्छी लगती है। मुझे तो बिल्कुल अपना बाइक अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल ना बहुत नाजुक तरीके से चलाता हूँ, बिल्कुल ना मेरा फ्रेंड है मेरा बाइक। तो चलते हैं आगे की तरफ। मौसम ये देखे ना, लेकिन अभी भी धुआं, लेकिन एक मजे की बात, जब मुंह से धुआं निकले ना तो बच्चे बहुत ना, मुझे बहुत मज़ा आता है कि ना मुंह से धुआं निकले। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है, एक धुंध, उसमें बाइक चलाना, मगर जो हाथों का हाल होता है, मतलब एक और बात बताऊँ आप लोगों को, वीडियो एंड तक देखें। मैं कल जा रहा हूँ स्कूल, क्योंकि कल लास्ट डे था स्कूल, तो वो बोल रहे थे बिना बैग के आना, मैं उधर गया रास्ते में, मतलब कि मेरा स्कूल इतना दूर नहीं है, मेरे घर से इतना दूर नहीं है, तकरीबन होगा 1 किलोमीटर का फासला होगा, तकरीबन इतना ही होगा। तो मैं जाऊं, मेरे रास्ते में हाथ, ये हाथ नहीं ये वाला, बिल्कुल एक तरफ ऐसे क्लच वाली साइड पे पकड़ना होता है ना, बस उधर ही रखना होता है, ये फुल जाम हो गया था, मतलब कि मैं ऐसे खींचूं ये हिले ही ना मुझसे। भावे मैंने इसको बाइक रोका, मैंने दूसरे हाथ इसको अपनी जेब में रखा, तब जाके बाइक ए वन हैंड से चलाना हुआ। तो जी गाइस मौसम तो धुंध मुंह से निकल रही है, सूरज आसमान से आ रहा है, तो अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर की क्या पोजीशन है। सर्दियों में दरवाजे तो बंद ही करने होते हैं, देखिए गैस, हमारे अभी घर में सुबह हो गई है, क्योंकि हाल में हमेशा जब भी लाइट चलती है तो हम यही कहते हैं कि हमारी तो अभी सुबह ही है। तो गैस अभी हम आपको अपना सोफे पे बैठ के दिखाया, क्या बोल गया, चलो चलते हैं आगे की तरफ। जो हमारे हॉल की वो जो स्टार्ट में है वो मैं आपको दिखा दूँ, जो स्टार्ट से है, तो ये है हमारा स्टार्ट, ये गेट है, ये एंटर, ये हमारे दो बेड, सोफा, टीवी, और हमारे ब्यूटीफुल पैरट्स चेयर, और सर्दी से बचने के लिए जुगाड़, वाटर डिस्पेंसर, किचन।
किचन का दरवाज़ा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लाहौर और बड़े शहरों में लगाते नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये खूबसूरत सा पता नहीं इसको क्या कहते हैं लगाया है। चलो चलते हैं अंदर, अभी इसकी लाइट्स यहाँ से चलती हैं। ओहो ओहो, तकरीबन 1 ईयर हो गया मेरे इस घर में, मगर मुझे किचन की लाइट्स का नहीं पता कि कहाँ से चलती है। जी गाइस, ये हमारा किचन है, और आपको मजे की बात बताऊं, कल हमारे घर पका था गजरेला। किस किस को गजरेला पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। मेरे से इतना ज्यादा गजरेला खाना नहीं होता, मगर मजे का बहुत होता है। इसमें बादाम बादाम पिस्ते और भी कुछ हो, इम्पॉसिबल के मैसेज छोड़ो। और कल मजे की बात क्या आई, तीसरी मंजिल से मुझे मामा ने भेजा नीचे से तीसरी मंजिल तक कि कल हमने ये बनाना है गजरेला, तो एक बर्तन लाओ, हमारा गांव का है बहुत अच्छा, तो वो ले आओ। मैं कहा चलो ठीक है ले आता हूँ, तो उठा के लाए इधर रखा मैंने, ये देखे उसका हाल। मामा ने बोला अगर इसमें तो पकाया तो पक्का बीमार होंगे, इसमें जंग देखी है, सारी जंग पड़ी है। तो मामा ने भावे इस वाले डोंगे में पकाया, इस वाले तो मेरी तो अब क्योंकि वजन ही अच्छा खासा, देखिए इसका एक पकड़ने वाली जगह ये पूरा वो जो होता नहीं सरिया, उसको मोटा सरिया वो लगा के उन्होंने दिया। तो ये रात को मामा ने बर्तन धोए और एक बर्तन रह गया क्योंकि ये बहुत बड़ा है, एक बार सुबह ही धोना है क्योंकि रात को ठंड है और ठंड होती है तो उसकी वजह से बाद में ना हाथ मामा के भी वैसे होते हैं, क्योंकि मामा कोई रिपोर्ट नहीं है, मामा के भी हैंड्स थकते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको बता, मैं कभी कभी खुद भी बर्तन धोता हूँ और संडे को, हाँ मजे की बात अभी सोफे पे जाके भी चलाता हूँ। मजे की बात बताओ, ये तो अभी है संडे, इससे जो पिछला संडे गुजरा उसमें मैं मतलब कि बच्चों की आदत होती है कि जब स्कूल का टाइम हो तो उन्होंने उठना नहीं, बेशक अगर माम लोगों ने छुट्टी भी दे दी और बच्चों को पता ना हो तो 12 बजे तक ज़बरदस्ती क्यों सुनेंगे, और अगर संडे हो तो 6 बजे से पहले उन्होंने उठना नहीं। मैं हो गया तकरीबन 7 बजे उठा, क्योंकि 7:30 मेरे स्कूल का टाइम लगता है, मैं इधर टीवी लगा के कार्टून देखने लग गया, और बाबा कार्टून देखते मेरे जहन में आया कि यार मामा आएंगी उनका रोटी पकाने में, क्योंकि सर्दियों में साग रोटी में आह अच्छा सा आ जाता। मैं किचन में एक विजिट किया, विजिट का मतलब देखा, उधर जो हमारा है जिस पे चीज़ें रखते हैं उस पे एक बर्तन पड़ा हुआ था साग वाला, पेड़े पड़े हुए थे, मैं पेड़े को सीधा किया उसमें साग लगाया, ओहो ऐसे रख के ना पेड़े बना दिए, मैंने कहा जैसे ही मामा आएंगे बना दे। एक वो बात, अब जो उससे पिछले वाला संडे था उसमें मैंने क्या किया, मैंने मामा को रात को कहा मुझे आलू वाले पराठे खाने, उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने सुबह सवेरे फजर टाइम नमाज पढ़ के नीचे आलू बॉयल करने के लिए रख दिया, ऊपर चली गई सो गई, उन्होंने पता तो बच्चों ने जल्दी उठना, 7 बजे मैं इधर टीवी देखने लग गया संडे के दिन, तो वो वहाँ से कहना मैं कहूँ क्या हो गया, तो ये ना उन्हें कुछ ख़राब हो जाए मैं भागा हुआ, कुछ बात नहीं थी, वो आलू में पानी सारा हो गया था ख़त्म, मैंने आलू को छीला फिर उसमें नमक और डाला, पता नहीं उसका नाम ही आता, मैंने डाल दिया बस, और मैं मिक्स कर 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 करके आधा तो हाथ जला लिया उसमें, मामा मैंने उसके ना गोल बटोर पेड़ा बना के रख दिया, क्योंकि मामा अगर आती तो उन्होंने आधा घंटा सही इस पर लगाना था, और मैंने मतलब के तकरीबन क्योंकि मैं हूँ ऐसे ऊपर नीचे से सारा काम करके 5 मिनट में ख़त्म कर देता, वो आई है उन्होंने उसे हल्दी और कुछ और लाल चीज़ें डाली है पता नहीं क्या, तो उसके बाद उन्होंने बहुत मज़े का। चलो जी दूसरी बात, मेरा जो छोटा भाई है हाँ बहुत मज़ा आया उसको, आलू के पराठे बहुत मज़े के थे, मामा आपके हाथ में मज़ा ही कुछ हो रहा है, मैंने बोला
उनका कोई नहीं, मैंने खुद बनाया है, मैंने खुद। तो मतलब आए गंदे पराठे। बच्चों के यही बड़ा काम होता है, अगर कोई छोटा या तुम्हारा भाई कोई काम करे, हाय बड़ा गंदा काम किया उसने, और दूसरों की तारीफों के लिए बहुत उछलते हैं। तो अभी मैं आपको तोतों का विजिट करवाता हूँ, मेरे तोतों को घर, और अभी देखते हैं वो कर क्या रहे हैं, दाना खा रहे हैं। चलो चलते हैं उनकी तरफ। तो गाइस मैं अभी तोतों के पास आ गया हूँ, तो ये देखिए तोता जी। तो मैं आपको तोतों को करीब से, ये हमारे तोतों का घर। हमारे दो तोते, वो जो ऊपर दीवार पे है वो मेरे हैं, और ये जो बैठी हुई है मेरे भाई की है। ये बहुत बदतमीज है, एक दूसरे के भाई मारते हैं। तो अभी अभी आगे चलते हैं, ये तो तोतों का वजह। तो गाइज आपने तोते देखे, और अभी एग्जैक्टली पर सेकंड के अंदर मेरे भाई ने दो सीढ़ियां जंप करके, सॉरी खांसी आ गई, दो सीढ़ियां जंप जंप करके नीचे आया। अभी उसके फेस रिवीलिंग करवाते हैं, तो वो हमारे ये वाले भाई, ये वो भाई है जो आलू का पराठा देखते हैं मजे क्या है, और बाद में कहते हैं कि मामा के हाथ में मजा ही कुछ और है, मगर जब मैं को ये मैंने बनाया तो हाय गंदा पराठा। बोले व्यूवर्स को सलाम दुआ दें और वेलकम करें। वो कह रहे अस्सलाम वालेकुम। मेन बात ये भाई बड़े शर्मीले, आपने इनको अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, लाइक्स करना है, सपोर्ट करना है। इन्होंने व्लॉग में बिल्कुल कम आना है, और अगर आना भी है तो मार खा के आना। तो गाइज व्लॉग मैं कह रहा हूँ कि शायद लंबा हो जाएगा, मगर अब मेरा तो बहुत दिल कर रहा है। तो आगे फैमिली मतलब मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली में सिर्फ मेरा जो है ये भाई है, और एक और चैनल वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक के कोई नहीं पैसे लगते। आपने जो वीडियो पे ऐड भी लगाए हैं ना, छोड़ो, लाइक कर दें और अच्छे से अच्छे कमेंट करें। अगर आप अच्छे कमेंट करेंगे, ये एक वीडियो देखें, मेरे अगले व्लॉग देखेंगे, आपको खुद ब खुद दिल करेगा कि मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूं। सब्सक्राइब की थी कोई बात नहीं, आप बस लाइक और अच्छे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको खुद ही सब्सक्राइब करने का दिल करेगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।